आखिर किस वजह से अंकित गुप्ता ट्विटर पर कर रहे हैं ट्रेंड, आखिर किस वजह से अंकित गुप्ता के फैंस जो है ट्विटर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं, और किस वजह से अंकित गुप्ता को दोबारा से इस ट्रेंड पर लाया जा रहा है, आइए देते हैं इस बारे में आपको पूरी अपडेट। वेलकम टू फीफा फूज, दिस इज गणेश कांत दिस साइड। अंकित गुप्ता जो इस बिग बॉस के एक समय पर सबसे वीक कंटेस्टेंट थे, और अब जिस तरीके से अंकित गुप्ता खेल रहे हैं ये चीज़, तो इवन जो गेस्ट आते हैं वो भी, सलमान खान खुद, बिग बॉस खुद और घर के जितने कंटेस्टेंट्स हैं सब ने एग्री किया है अंकित जो है वो बिग बॉस 16 इस बिग बॉस के घर के वन लाइनर किंग हैं। और अंकित का जो नेचर है वो एक्चुअली में थोड़ा सा विटी है, क्योंकि अंकित हमेशा से खुद को ऐसा रखते हैं जैसे मतलब उनको वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको किसी भी चीज़ से, और उनका उस बिहेवियर जो है वो उनको कभी कभार उल्टा इफेक्ट भी कर जाता है। वो उनका प्रो भी है और उनका कॉन भी है, क्योंकि कभी कभार कैसा होता है ना, प्रियंका को वो चीज़ गलत लग जाती है कि अंकित जो है वो किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और अंकित इज़ अ नो नॉनसेंस मैन। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद उनको ड्रामा में उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से अंकित खुले हैं और खेल रहे हैं, तो बिग बॉस अब उनको, बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स अब उनको नाम दे रहे हैं, जैसे एमसी स्टैन ने उनको नाम दिया है औरत, देन शिव, और बाकी सब घर वाले बोलते हैं पोपट 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 और घोड़े के नीचे जाके सो जाओ, और ऐसी सब स्लैंग्स जो है वो अंकित के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस पर जो है अंकित के फैंस ने ना एक ट्विटर पर अपना हैशटैग लॉन्च किया है, और अभी तक उसको 108K ट्वीट्स हुए हैं उसमें, और हैशटैग का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, 119K ट्वीट्स हुए, माफ़ कीजिएगा, अभी देखिए बढ़ते जा रहे हैं, और ये ट्रेंड है स्टॉप हरासिंग अंकित, वो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पब्लिक लिख क्या रही है, इसमें जनता क्या लिख रही है, किसी ने लिखा है कि यू ऑलरेडी नो वॉट काइंड ऑफ मैन अंकित गुप्ता इज इवन बिफोर बिग बॉस बिकॉज ही हैज़ डन शोज फॉर यू, और फिर किसी ने लिखा है बिलीव और नॉट अंकित इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर बिग बॉस ओन्स कंटेंडर को कंटेंडर फॉर बिग बॉस ओन सेल्फ, दैट इज वाई दिस इज हरासिंग, ही इज वेरी मच एक्टिव सेवेज रिप्लायर बिग फैन फॉलोइंग एंड डिग्निफाइड प्लेयर प्लस टास्क मास्टर। टास्क मास्टर इस चीज़ पर मैं अग्री करूँगा, क्योंकि अंकित ने जो है वो साजिद खान को वादा किया था कि मैं कैप्टनसी के लिए, मैं गेम के लिए करूँगा, और जब अंकित घर में जब टास्क हुआ था, घर से चिट्ठी, फैंस की बातें और कैप्टनसी की दावेदारी वाला, तब अंकित गुप्ता ने कैप्टनसी की दावेदारी चुनी थी अब्दू के लिए, लेकिन और घर वालों की तरह साजिद खान की तरह वो शोर करते हुए नहीं आए, वो शांति से बाहर आए, और उन्होंने आके साजिद खान को बोला कि सर दिस इज़ ओनली फॉर यू, और उन्होंने वो लॉकेट अब्दू को पहना और अब्दू को कैप्टनसी की दावेदारी दिलाई। मैं आगे पढ़ता हूँ इस ट्वीट में क्या क्या लिखा, ही सो डाउन टू अर्थ ऑलवेज बी देयर फॉर हिज फैंस एंड फैमिली, इट्स सो सूदिंग टू सी हिम हैप्पी इन दिस फैन मीट, एक फैन मीट का वीडियो भी है देख सकते हैं आप, ये अंकित गुप्ता जिस तरह से फोटो निकाल रहे हैं। फिर उसके आगे किसी ने लिखा है ट्रीट दिस मैन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ही डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, योर फॉल्स नरेटिव्स इज टू शैलो वी ऑडियंस एंड ब्लाइंड, स्टॉप हैरेसिंग अंकित गुप्ता, इफ यू पीपल आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम डाउन इट ओनली मीन्स दैट ही दैट यू आर अबाउट देम। और फिर किसी ने लिखा है कि शेड्स ऑफ अंकित लव इमोशन विल एंथुजियाज्म एंड टास्क नॉलेज ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू हैव नो राइट टू एलिमिनेट अंकित गुप्ता विदाउट गिविंग फैंस चांस टू वोट फॉर हिम, यू कैन नॉट डू इट पीरियड। एंड फिर उसके बाद दोबारा से वो हैशटैग यूज़ किया है स्टॉप हैरेसिंग अंकित गुप्ता। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या घर के अंदर जो है अंकित गुप्ता को हैरेस किया जा रहा है या उनको कुछ मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। थैंक यू।